Okay, so let's start with unit 1 of subject English, the world around us. So in this unit 1, first of all we will start with new words in the lesson and their meanings. Once you understand the new words meanings, so it will be easier for you to understand the lesson. Okay, so let's first see the new words and their meanings. Nurture. Nurture means to look after and protect something while it is growing and developing. So what things can you nurture? You can nurture plants, right? You can grow a small seedling, a sapling, and then take care of it, water it, give it organic matter for it to get nutrients, right? So this way you take care of the plant, then it grows, it develops into a big tree. Same way, you nurture human beings, for example your children. Your parents nurture you. How do they do that? They give you good food. They give you good environment at home. They take care of you. They love you. And then they send you to school to study. So, what do you do in school? You come here and study. Study means learning new things. So, aapko kya lagta hai? Study karna matlab? Means आप कुछ नया हम को सीखते हो यहाँ पे स्कूल पे आके हम अलग अलग टीचर्स से, तो आपका नर्चरिंग हम किस तरह करते हैं? आपको अच्छा खाना देते हैं, आपको अच्छी बातें सिखाते हैं, नई नई चीजें सिखाते हैं, तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों को हम नरिश करते हैं, नर्चर करते हैं, तो हम आपकी केयर करते हैं, आपको सब कुछ देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि आप अच्छे से ग्रो हो सको और बड़े बन सको, और जब बड़े हो जाओ तो एक अच्छे इंसान बन सको, है ना? तो दैट इज नर्चरिंग. इन्वेंट. टू थिंक ऑफ और मेक समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार कुछ नई चीज बनाना. अगर कोई चीज जो पहले कभी थी ही नहीं, उस नई चीज को बनाया गया है, तो दैट इज इन्वेंशन ऑफ दैट न्यू थिंग, राइट? सो दैट्स द मीनिंग ऑफ इन्वेंट. कुछ नई चीज बनाना. टॉक्सिक. पॉइजनस मींस जहरीला. कोई भी पदार्थ जो जहरीला हो हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो, तो उसको बोलते हैं टॉक्सिक, राइट? फोर्थ, पोल्यूटेंट. अ सब्सटेंस दैट पोल्यूट्स एयर, रिवर, लैंड एक्सेट्रा. अ सब्सटेंस मीन्स कोई ऐसी चीज, ऐसा पदार्थ जो एयर, वाटर और लैंड को पोल्यूट करता है, उसमें पोल्यूशन फैलाता है, तो दैट इज कॉल्ड पोल्यूटेंट. नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 5. आवर फिफ्थ वर्ड इज डिप्लीशन. डिप्लीशन का मतलब होता है खत्म करने की प्रक्रिया, खाली करने की प्रक्रिया. तो द एक्ट ऑफ डिक्रीजिंग और रिड्यूसिंग something. To deplete means to empty out something, कुछ चीज जो है उसको खाली कर देना. reduce यानी कि धीरे-धीरे करके कम कर देना, खत्म कर देना. so depletion. understood the meaning? okay. next, number 6. contaminate. contaminate means किसी चीज को impure बनाना, प्रदूषित करना. टू मेक समथिंग इम्प्योर और अनक्लीन बाय कॉन्टेक्ट.
फेंकोगे या जमीन के अंदर जाने दोगे तो वो जमीन को पानी को पॉल्यूटेड करती है, तो पॉल्यूशन फैलाती है इस तरह से, तो वो मिक्स होती है उसके साथ, कंटेमिनेट होती, मिक्सचर होता है और कंटेमिनेशन होता है। नेक्स्ट एम्फसाइज। एम्फसाइज मीन्स टू पुट टू शो समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू शो दैट समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हम अगर कभी कुछ बोलते हैं ना तो बोलते हुए कुछ शब्दों पे हम ज्यादा भार देते हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एम्फसाइजिंग दैट वर्ड। जैसे कि आई एम सेइंग हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, ये नॉर्मल था राइट, उसमें किसी भी वर्ड पे मैंने भार नहीं दिया, एम्फसाइज नहीं किया। पर अगर मैं बोल रही हूँ मी कि कंटेमिनेट, तो वहां पे मैंने अपनी आवाज में कैसे थोड़ा इम्पोर्टेंस दिखाया, उसको हाईलाइट किया मेरी आवाज के टोन से, तो दैट इज एम्फसाइजिंग समथिंग। देन नेक्स्ट वर्ड डिंपल, याद आया, कोई कोई स्माइल करता है तो उसकी गालों में खट्टे पड़ते हैं, उसको बोलते हैं खंजन हिंदी में और गुजराती में, इंग्लिश में बोलते हैं डिंपल। तो उसकी गालों की सरफेस पे यहाँ पे थोड़ा सा खट्टा पड़ता है तो उसको डिंपल बोलते हैं। वैसे ही किसी भी सरफेस पे अगर थोड़ा सा भी खट्टा पड़ता है तो हम उसको डिंपल बुला सकते हैं। जैसे कि पानी का सरफेस है रिवर के ऊपर, अगर बारिश होती है तो बारिश का पानी उसके ऊपर गिरता है, तो आपने देखा होगा स्लाइड रिवर की सरफेस पे खड्डा पड़ता हो, जहाँ पे बूंदे गिरती है वहां पे खड्डे थोड़े थोड़े पड़ते हैं, है ना, तो दे आर कॉल्ड डिंपल्स। ओके, नाउ वी विल बिगिन आवर लेसन, वी हैव अंडरस्टूड न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, नाउ लेट्स बिगिन आवर लेसन। यूनिट 1, द वर्ल्ड अराउंड अस, दैट्स द लेसन वी आर गोइंग टू रीड। द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ, long long ago the earth was green and clean, it proudly carried and nurtured a number of trees। तो बहुत लंबे समय पहले जब अर्थ नई नई बनी थी और कुछ हजारों साल बीते थे उसके बाद अर्थ पे बहुत सारे ट्रीज उगने लगे थे, तो अर्थ पूरी जो थी वो कैसी बन गई थी, बन गई थी ग्रीन और क्लीन भी थी, क्योंकि कोई कचरा भी नहीं था, क्योंकि तब इंसान नहीं थे, तो बिगनिंग में अर्थ पे प्लांट्स थे, दूसरे जीव जंतु थे, कुछ प्राणी थे, है ना, कुछ बर्ड्स थे। बट आफ्टर सम टाइम समवन इन्वेंटेड मशीन्स टू मेक लाइफ कंफर्टेबल, और फिर जब इंसान आए तो वो पहले प्राणियों की तरह रहते थे, अर्थ पे कचरा नहीं होता था, पर धीरे धीरे हम इंसानों ने हमारी बुद्धि से बहुत सारा प्रोग्रेस किया और फिर मशीनों का इन्वेंशन किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पोल्यूशन बढ़ने लगा, अर्थ के रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज मतलब कि मिनरल्स है, मेटल्स है, बहुत सारी अलग अलग चीजें है, वुड है, सबका क्या हुआ, हम बहुत ज्यादा यूज करने लगे, उसका माइनिंग करने लगे, माइनिंग करके अर्थ के अंदर से हम उसको निकालने लगे थे, तो अर्थ में बहुत सारे हमने खड्डे कर दिए थे, उसके माउंटेन्स खोद डाले थे, नई नई मशीनों का इन्वेंशन किया था, तो धीरे धीरे अर्थ जो बहुत ही क्लीन और ग्रीन थी वो धीरे धीरे कम ग्रीन होने लगी, क्योंकि बहुत सारे फॉरेस्ट कटने लगे, बहुत ट्रीज कटने लगे और कचरा भी फैलने लगा, तो जो क्लीन थी वो कैसी बन गई, अनक्लीन बनने लगी। द मशीन्स वर यूज्ड एंड लाइक्ड बाय मेनी, तो मशीन्स बहुत सारे लोगों को पसंद भी आए और बहुत सारे लोग उसको यूज करने लगे, धीरे धीरे करके इस पृथ्वी के सारे लोग मशीनों का यूज करने लगे। अभी क्या होगा,
मशीनों की वजह से हमारी जिंदगी आसान हो गई, हमारे बहुत सारे काम आसान हो गए, है ना। तो हमें वो अच्छी ही लगेंगे। जैसे आप लोगों को मोबाइल बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे काम आते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात आप बच्चों को तो उसमें गेम्स खेलना, फिर अलग अलग मूवीज देखना, टीवी सीरियल देखना, वो सबके लिए मोबाइल यूज करते हो। However, now we realize that the earth gets warmer and has less natural beauty. तो अब इतने हजारों साल के बाद ये जो हमने बहुत सारा पॉल्यूशन फैलाया, अर्थ के सारे रिसोर्सेस को खत्म करने लगे, वो अब जाके हमें समझ में आने लगा कि हमने क्या क्या गलतियाँ की है हमारे एनवायरमेंट के साथ, उसको कितना नुकसान पहुँचाया है, और एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचाते हुए हमने अपने आप को भी बहुत सारा नुकसान पहुँचाया है, और अर्थ की जो नेचुरल ब्यूटी थी वो भी बहुत कम हो चुकी है, ये भी हमने देखा। The sun's rays reach the earth easily and damage her beauty. तो सन के जो रेज अर्थ पे आते हैं हमें अच्छे लगते हैं, तो जब भी हम विंटर में थोड़ी सी भी धूप में बैठते हैं सुबह सुबह, तो हमें अच्छा लगता है कि हमारी ठंडी भाग गई। तो अर्थ की जो रेज हम तक पहुँचते हैं वो ऊपर आकाश में एक ओजोन नाका, जैसे ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, वैसे ही ओजोन नाका गैस होता है, उसका एक पूरा एटमोसफियर पे लेयर बना हुआ है। उसकी वजह से अर्थ के जो सन की जो हार्मफुल रेज है उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। वो जो अल्ट्रावायलेट रेज है हार्मफुल हमारे लिए, वो वहाँ पे ओजोन लेयर उसको रोक देता है, उसको अंदर हमारे तक आने नहीं देता है। पर अभी पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर में होल्स बन गए हैं, तो उस होल्स में से वो अल्ट्रावायलेट रेज अंदर आते हैं, और सिर्फ हम इंसानों को नहीं, बहुत सारे अलग अलग प्राणियों को, पक्षियों को, और बहुत सारे जीवों को और ट्रीज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। दिस हैज ऑल्सो लेड टू चेंज इन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल वर्ल्ड। तो उनमें भी बहुत सारा चेंज आया है इन सब रीजंस की वजह से। टुडे टॉक्सिक मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर। आज हम देखें तो हर जगह हमें टॉक्सिक मटेरियल्स यानी कि जहरीले पदार्थ मिलते हैं देखने को हर जगह। द पोल्यूटेंट्स आर प्रेजेंट इन द एयर, वाटर एंड लैंड। तो पोल्यूटेंट्स जो है, जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, वो हम एयर, वाटर और लैंड हर जगह पाते हैं, और हर चीज को वो पोल्यूटेड कर चुके हैं, एयर को भी, लैंड को भी और वाटर को भी। डिड यू नो द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो हर साल अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है। तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज गेटिंग लेस, और बारिश कम होती जा रही है, क्योंकि फॉरेस्ट कम होते गए हैं तो बारिश भी कम होगी। ये जो हमारे ट्रीज है ना, वो पानी को लाते हैं, बारिश को लाते हैं हमारे लिए, तो वो ही कम हो गए तो कौन हमारे लिए पानी लाएगा। वाटर इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर। आज भी आप मिनरल वाटर की बोतल लेने जाते हो तो पानी खरीदना पड़ता है ना, पीने का पानी, तो वैसे इससे भी ज्यादा महंगा हो जाएगा पानी आगे। द इंक्रीजिंग टेम्परेचर किल्स मैनी लाइफ फॉर्म्स। अलग अलग जीव जो है हमारी धरती पे, छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके इतने बड़े प्राणियों तक के, तो उस सबके ये इंक्रीज जो होता जाता है ना टेम्परेचर, उसकी वजह से बहुत सारे जीवों की जान खतरे में है। मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। बहुत सारे प्राणी और पक्षी एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त होते जाते हैं, तो उनकी पूरी की पूरी स्पीशीज का नाश हो जाता है, फिर वो हमें कभी देखने को नहीं मिलेंगे। देन ओके, लेट्स
look at the next paragraph. Most toxic waste comes from man-made things like mobile sources. Mobile sources मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हिल सके, movement कर सके. For example, cars, trucks, buses. Stationary sources मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं पाते हैं, movement नहीं कर पाते हैं. जैसे कि ये building है school का, आपके घर का building है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? नहीं. कार जा सकती है, हम जा सकते हैं, बस जा सकती है, पर ये बिल्डिंग नहीं जा सकता है. तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी सोर्सेस. फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स, एज वेल एज इंडोर सोर्सेस. इंडोर सोर्सेस यानी कि हमारे बिल्डिंग के अंदर के जो सोर्सेस हैं. फॉर एग्जाम्पल सम बिल्डिंग मटीरियल्स एंड केमिकल्स यूज फॉर क्लीनिंग. तो क्लीनिंग के लिए, हम सफाई के लिए जो मटेरियल्स यूज होते हैं उसमें भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं. द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. दिस हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द अर्थ. तो इसकी वजह से क्या हुआ है, अर्थ के जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट होने लगे हैं, मतलब कि डिक्रीज होने लगे हैं, कम होने लगे हैं और खाली होने लगे हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से पे बहुत सारे कंट्रीज के लीडर्स आए थे
और उन लोगों ने अर्थ की जो रिसोर्सेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए, मतलब उसको संभाल के यूज करने के लिए और पॉल्यूशन कम हो जाए उसके लिए प्रयत्न करने के लिए बहुत सारे आइडियाज सोचे थे। और फिर अपने अपने कंट्रीज जाके उन लीडर्स ने वो आइडियाज पे काम करना शुरू कर दिया था, छोटे और बड़े हर तरीके से। पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टेक अप अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज लाइक ट्री प्लांटेशन, अवेयरनेस कैंप्स ऑन एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स, पॉल्यूशन रिडक्शन कैंप्स एंड मैनी मोर। तो लोगों ने पूरी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, मतलब जागरूकता लाने के लिए कि हमें अर्थ को, एनवायरमेंट को बचाना है, तो उसके लिए ट्री प्लांटेशन किए हैं बहुत सारे लोगों ने, हर साल करते हैं। फिर अवेयरनेस कैंप्स किए हैं जहाँ पे वो लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं और एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स पे वो सारे अवेयरनेस कैंप्स भी किए गए थे ऑर्गेनाइज। पॉल्यूशन रिडक्शन कैंप्स भी किए गए थे ऑर्गेनाइज और बहुत सारे अलग अलग सेमिनार्स थे, वर्कशॉप्स थे, अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। तो इससे लोगों का ज्ञान बढ़ता है कि कैसे एनवायरमेंट को बचाया जा सकता है, कैसे पॉल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट द वर्ल्ड अर्थ डे इज अ टाइम फॉर पीपल अराउंड द ग्लोब टू सपोर्ट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट। तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड अर्थ डे है वो ये समय है जब लोग, पूरी दुनिया के लोग, हम सब मिलके ये प्रयत्न करते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाए और उसको प्रोटेक्ट करें। डिड यू नो एनवायरमेंटलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट। इट्स गोल इज टू प्रोटेक्ट नेचर बाय एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ नेचर इन प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट इन कॉम्बिनेशन विद वेरियस एक्शंस एंड पॉलिसीज ओरिएंटेड टू नेचर प्रिजर्वेशन। इट इज अ मूवमेंट दैट वर्क्स टूवर्ड्स मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंटलिज्म ये एक बहुत महत्व का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट है। तो हम समाज के लोग, यानी सोशल एंड पॉलिटिकल, यानी कि राजकीय राजकर्मी लोग, पॉलिटिशियन, सब मिलके ये एक काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो वो एक पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट बन गया है। और उसका गोल, उसका ध्येय क्या है, एम क्या है इसका, नेचर को प्रोटेक्ट करना। और किस तरह करना है, नेचर का जो रोल है हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में, सारे जीवों के जीवन में, प्राणी, पक्षी, मनुष्य, जीव जंतु, प्लांट्स, सबके जीवन में जो एनवायरनमेंट का रोल है उसको हमें सबको उसका महत्व समझाना है और नेचर को इस बात की ये महत्व समझाते हुए प्रोटेक्ट करना है नेचर को। तो उसके लिए अलग अलग एक्शंस की जाएगी, अलग अलग काम किए जाएंगे और अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाएगी पॉलिटिशियंस के द्वारा सब देशों में कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये मूवमेंट इस तरह काम करता है।